फिरदौस साहब। हाँ सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी। आप क्या कर रहे हैं आप फिरदौस भाई? बस जी हम ये जो कछुए हैं इनको हम वो सर लगाते हैं। सर लगा रहे हैं। जी जी। और जो आपके पास है ये पेपर है? जी ये वो जो गत्ता होता है। ठीक। उसी का हाँ पेपर होता है ये। अच्छा पेपर होता है। तो आप फ्री हैंड है ये, मतलब आप किसी कोई मोल्ट यूज नहीं करते? नहीं नहीं ये हाथ से सब कुछ बनाते। ये मतलब पहले हम उसको जो होता है इसको बोलते हैं साख्ता। ये साख्ता होता है उसके ऊपर हम कागज मतलब कागज लपेटते हैं, लेकिन कागज ऐसे लपेटना होता है कि जो माया होता है जिसे चिपकता है वो नीचे जो साख्ता है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, वो वरना ये खराब हो जाएगा। उसके ऊपर जो ये लगाता है ये मतलब कागज के ऊपर। जी ये भी फ्री हैंड है, मतलब ये खुद हाथों से लगाते हैं? हाथों से सब कुछ, हाथों से, हाथों से। ये हैंडमेड है। तो ये जो उठा रहे हैं ये भी पेपर ही है? हाँ, पेपर, ये पेपर, पेपर सब कुछ पेपर, पेपर, पेपर सब कुछ। पहले ये हम हाफ हाफ पे लगाते हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो ये लगाता है वो होता है असल में ये, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। उस पर हमने टिका लगाई है, ये दिखाओ इसी में दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो ये, बना रहे हैं ये जो ये पहला काम अंदर होता वाला है। हाँ ये अंदर वाला होता है, ये अंदर वाला होता है। तो एक शेप होती है पहले बेस जो बॉक्स की होता है, ये मतलब इसलिए लगाते हैं हम जो इसका ढकना है इस पे आएगा फिर ये। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको पकड़े रहिए। फिर दोस्त आप कितना टाइम हो गया आपको इस क्राफ्ट के साथ करते? मेरे को तो बचपन से मैं इसी के साथ हूँ। मैंने पढ़ा मैट्रिक किया था मैंने, बस उसके बाद मैं इसी से इसी काम में। पहले मेरा मामा रहबाय था, हमारा कारखाना था, उसका मामू का कारखाना था, उसके बाद मैं वहाँ से कुछ सीख लिया फिर घर में अब कर रहे हैं। और आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब क्राफ्ट दिन ब दिन कम होता जा रहा है? बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी कभार मैं तंग आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अब ये छोड़ दूंगा क्योंकि इससे गुजारा नहीं होता है, बहुत मुश्किल। मतलब और ना कोई कारीगर मिलता है, हम किसी को लाएंगे मतलब हेल्प के लिए, वो भी कहता है नहीं नहीं इसमें अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि दिन भर मतलब कुछ नहीं मिलता है। मतलब एक मजदूर को कम से कम 400 तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन 400 की बात नहीं है, 200 मुश्किल से मिलता है अब इसमें। पहले तो था इसमें काम बहुत मिलता था, 1000 भी कमाता था बंदा, लेकिन आज बहुत मुश्किल है। लेकिन दिन ब दिन अब खत्म कम कम हो रहा है। ठीक है। और जो ऐसे आप अभी ये कछुए बना रहे हैं, टर्टल्स बना रहे हैं, जी, जी, जी। तो कितना टाइम लगता है एक में? मतलब इसमें बहुत टाइम, आपने तो देखा पहला ये पहला बेसिक है, ये कल इसको हम धूप में चढ़ाएंगे, फिर ये थोड़ा सा सूख जाएगा, सूखने के बाद हमें ऐसी मतलब थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा तो हमें उतारना पड़ेगा और उस पर थोड़ा सा फिनिश मारना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको धूप में इसको 2-3 दिन रखना पड़ेगा, फिर जब ये सख्त हो जाएगा ना सख्त, उसके बाद उस पर दूसरा काम होगा, वो जो मैंने आपको बताया ये वाला ऊपर वाला, फिर उसके बाद असली वाला जो काम है वो होगा, ऊपर शेप देनी होगी। इसको भी 2 दिन धूप में डालेंगे और 2 दिन के बाद इसमें भी फिर फिनिश जाएगा। बोलो वो भी हाथ से वो होती है, उसमें हम फिनिश देंगे और ये सारे अलग निकालेंगे, आंखें निकालेंगे, जो जो आइटम होगा। फिर उसको लगभग 1 हफ्ता लगेगा धूप में सुखाने के लिए, फिर इसमें हम आरी से उसको काट देंगे, फिर रेगमल हो गया। लेकिन बहुत काम, तो मतलब एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा? नहीं नहीं, बहुत टाइम, मतलब ये मतलब मानो 100, ये मतलब मैं मानूंगा जब इसमें बहुत सारा काम करेंगे हम तो 1 महीने ये 100 पीस निकलेगा, बस 100 पीस निकलेगा बस। तो उसके हिसाब से दिन भर आप ये ज्यादा से ज्यादा 3 बना सकते हो? वो भी फिट नहीं होंगे, वो भी फिट ना, 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 वो अगर आप एक महीने में 100 बनाते हो तो उसका मतलब कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे एक दिन में उस हिसाब से 3 बनेंगे। हाँ, हाँ, और कितने में भेजेंगे फिर आप ये? मतलब अब काम भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, कि अभी खरीदार पे डिपेंड है, उसको हम बोलेंगे, लेकिन अब उसी पे डिपेंड है, उसको उस बेचारे को भी आगे से उसको मतलब भेजना है, उसको भी अपना भी कुछ सोचना है। नहीं आप इसमें ये कितने में भेजेंगे? 50 रुपीज में? हाँ ये मतलब ये वाला हम 50 रुपीज में भेजेंगे। 50 रुपीज में भेजेंगे, तो इस हिसाब से आपका जो दिन का बनता है 150 रुपए बनता है बस। हाँ ये कोलकेशन मैंने बोला ना 100,
मतलब 150 ऐसा ही बनता है बस। तो 150 रुपए आप दो भाई जो है यहाँ पे बैठे ना, मेरे को अलग में 150 बनेगा, मतलब आप ये 150 अलग बनाएंगे, ये अलग 150, हाँ ये अलग बनाएंगे। और जो डेली वेजर होते हैं उनका होता है कि 500 रुपए वो कम से कम कमाते हैं, जैसे आपने पहले बोला। चलिए ठीक है। और आपका जो घर है इसी के ऊपर चलता है? इसी के ऊपर। आप इतना मानिए कि टाइम तो होता है 9 to 4, मतलब मुलाजिम काम टाइम सोचता है, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है। अब मैंने बोला आपको 150, अब मैं कोशिश करूंगा 100 के बजाय मैं 150 मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मैं छुट्टी करूंगा, क्योंकि घर का गुजारा तो करना ही है। बिल्कुल। और जैसा आप सुबह इस कमरे में आ जाना है, फिर पता नहीं 8 बजे छुट्टी करेंगे, 9 बजे छुट्टी करेंगे। और आपने ये भी बोला कि काम कम है, काम बहुत कम है। फिर आपको ये भी सोचना है कि किसको दें, कौन कस्टमर आएगा, कौन किसको दें, उसके लिए वेट करना है। तो जैसे पहले आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन निकलती थी या आप निकालते थे क्योंकि बहुत काम था उस टाइम? काम था, लेकिन उस टाइम बंदे भी आते थे हमारे यहाँ काम करने के लिए। अच्छा, तो आपने बंदों को भी रिड्यूस किया है जहाँ पे आप यहाँ पे? कितने बंदे होते थे पहले? लगभग हम होते थे लगभग, एक्स्ट्रा आप ऐड कीजिए 3 और बंदे थे, 5 हम टोटल। 5 बंदे आप काम करते थे, अब आप 2 पे पहुंच गए। बस बस, सिर्फ 2 भाई है बस, क्योंकि आप कोई बंदा रहा नहीं इस काम को मतलब करने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच। और आपको क्या लगता है कि जो GST यहाँ पे लागू हुआ उसकी वजह से काम रिड्यूस हुआ कुछ? बहुत 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 काम, बहुत बहुत, क्योंकि उससे पहले भी मतलब हम काम करते थे, जब किसी को मतलब देते थे वो बेचारा भी हमें वही से पैसा देते थे, लेकिन अब क्या बात है कि अब हर कोई कस्टमर कहता है कि हमें GST लग गया, लेकिन उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आप इतना मानिए कि GST की वजह से ये काम 20% पर रह गया। जो कारीगर थे आप 20, अगर 80% थे अब 25 पे आ गया कारीगर, क्योंकि अब आप मानिए कि आप छोड़ रहे हैं, इसमें अब कुछ नहीं रहा। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, आपने एक टर्टल यहाँ पे कम हो गया आपका, हमारे हमें आपने उतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।